हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है सक्सेस ज्ञान क्लासेस में। आशा करता हूँ मैं आप अपनी अच्छे से स्टडी को कर रहे होंगे और आपकी तैयारी बहुत बेहतरीन चल रही होगी। अभी अभी एक नोटिस आया है बीएसएफ का, बीएसएफ की रिक्रूटमेंट की तरफ से एक नोटिस जारी हुआ है जिसमें कि बीएसएफ ने लगभग अगस्त के महीने में आपसे फॉर्म फिल कराए थे हेड कॉन्स्टेबल और आपके एएसआई के। हेड कांस्टेबल और एएसआई की कुछ पोस्ट रिलीज हुई थी जिसमें कि जो पोस्ट आई हैं उसमें जो पहले आपको सिलेबस सिलेक्शन प्रोसेस जो दिया गया था उसमें चेंजेज किया गया है। एक बहुत बड़ा चेंजेज किया गया है। पहले जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस जब इन्होंने नोटिफिकेशन दिया था तो उसमें सबसे पहले इन्होंने क्या दिखाया था कि हम आपसे सर्वप्रथम रिटर्न एग्जाम लेंगे और उसके बाद आपका फिजिकल मतलब पीएसटी होगा नापतोल, और उसके बाद आपका मेडिकल स्किल होगा टाइपिंग वाला और शॉर्ट हैंड, और उसके बाद आपका मेडिकल होगा। यही सब आपसे पूछा दिया गया था नोटिफिकेशन में। लेकिन अभी अभी एक बीएसएफ रिक्रूटमेंट ने आपके लिए एक सूचना जारी की है कि हम यहाँ पर कुछ चेंजेस करने वाले हैं। चेंजेस का आपको कारण भी बता दूं कि यहाँ पर जो वो अनुमानित संख्या बता सोच रहे थे कि इतने फॉर्म फिल आएंगे 1.5 गुना लगभग, तो उतने से बहुत ज़्यादा अधिक फॉर्म फिल हुए हैं। तो यहाँ पर वो सबसे पहले क्या कर रहे हैं, देखो आपको डिस्प्ले पे ये नोटिस दिखाई दे रहा होगा। फेस वन दिख रहा है, फेस वन में सबसे पहले ही उन्होंने दिया हुआ है क्लियरली कि फिजिकल मेजरमेंट और डॉक्यूमेंटेशन, चेकिंग ऑफ डॉक्यूमेंट। मतलब फेस वन जो होगा आपका उसमें क्या होगा, आपके पीएसटी मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे और आपकी माप तोल हाइट होगी, चेस्ट होगी, वेट होगा, और गर्ल्स के लिए हाइट होगी और ओनली आपका चेस्ट हो जाएगा, वो सॉरी वेट हो जाएगा, ठीक ये होगा। और उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। अब ये जो न्यू नोटिस इसी में है, पहले आपका फेस में क्या होगा, पीएसटी होगा और उसके बाद सेकेंड फेस में रिटर्न एग्जाम लिया जाएगा। यहाँ क्या होगा, थोड़े बच्चे फिजिकल से निकल जाएंगे तो इनकी संख्या हो जाएगी बच्चों की कम, तो ये आसानी से एग्जाम को रिटर्न एग्जाम को करा लेंगे। और उसके बाद थर्ड फेज में आपका क्या होगा, टाइपिंग, ये हेड कॉन्स्टेबल वालों के लिए टाइपिंग होगा और मिनिस्टर एएसआई के लिए स्टेनो होगा, आपका शॉर्ट हैंड जैसे बोलते हैं स्टेनो, उसके बाद टाइपिंग होगा, ठीक है। उसके बाद मेडिकल प्रोसेस हो जाएगा थर्ड फेज में, ठीक। लेकिन अभी जो इससे पहले जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था और फॉर्म फिल आपसे कराए गए थे उस समय आपके लिए सामने ये देखिए आपसे इस प्रकार का स्ट्रक्चर दिया हुआ था कि फर्स्ट फेज में जो हम क्या कराएंगे आपसे, फर्स्ट फेज में आपसे रिटर्न एग्जामिनेशन लेंगे। क्या लेंगे हम, रिटर्न एग्जामिनेशन आपसे लेने वाले हैं। रुकिए, हाँ यह है। देखो तो फर्स्ट फेज में क्या लेने वाले हैं हम, रिटर्न एग्जाम, और सेकंड फेज में आपसे पीएसटी लेंगे यानी मेजरमेंट कराएंगे, और थर्ड फेज में आपका आपका स्किल करा लेंगे। थर्ड फेज में क्या करा लेंगे आपकी, इस फर्स्ट फेज, सेकंड फेज में आपकी पीएसटी हो जाएगी, टाइपिंग हो जाएगी, दोनों चीज़ें मतलब हो जाएंगी। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस किए गए हैं, तो अभी अभी ये जो नोटिस जा चुका है इसमें क्लियरली मेंशन किया हुआ है। देखो तो आपने थंबनेल पे भी देखा होगा कि बहुत नियम बदल दिए गए हैं, और उसमें एग्जाम डेट कब है, एग्जाम डेट भी आपकी टेंटेटिव डेट आपको आ चुकी है कि दिसंबर के लास्ट वीक में आपके एग्जाम करा लिए जाएंगे, और कंफर्म आपका एग्जाम दिसंबर के लास्ट वीक से स्टार्ट हो जाएंगे। दिसंबर के फर्स्ट वीक में आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे, 1-2 दिन में आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और दिसंबर के लास्ट वीक में ये एग्जाम आपसे करा लिए जाएंगे। और सबसे बड़ी सूचना मैं आपको बता रहा हूँ, यदि आपने अभी अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए जिससे आपको नोटिफिकेशन मिले, और प्लस वीडियो को लाइक जरूर करें जिससे कि आपको हम भी मोटिवेट हों और आपको लेटेस्ट वीडियो आपके लिए जल्दी से जल्दी लेकर आएं। देखो यहाँ पर जो अभी नोटिस आया है उसमें क्लियरली मेंशन दिया हुआ है, मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये रहा यहाँ देखिए, ये कह रहा है देखो, द टेंटेटिव शेड्यूल फॉर कंडक्ट फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन, फिजिकल मेजरमेंट
डॉक्यूमेंट इज थर्ड वीक ऑफ दिसंबर 2022, फॉर विच ऑनलाइन एडमिट कार्ड सेल बी इशूड द फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर। यानी दिसंबर के प्रथम वीक में ही सप्ताह में आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे और दिसंबर के लास्ट वीक में, लास्ट सप्ताह में आपका क्या होगा, आपका एग्जाम करा लिया जाएगा। यहाँ तक आपको ये पूरी जानकारी दी हुई है। एक बार हम तो आपको क्या करना, अपनी तैयारी बेहतरीन रखनी है, क्योंकि देखो दिसंबर में ये आपसे फिजिकल करा लेंगे और उसके बाद लगभग फरवरी में, उसके बाद लगभग ये फरवरी या मार्च तक आपसे क्या करा लेंगे, ये रिटर्न एग्जाम ले लेंगे मार्च तक। कन्फर्म है ये शेड्यूल, मार्च तक आपका रिटर्न एग्जाम हो जाएगा और उसके बाद आपकी आपका टाइपिंग होगा और टाइपिंग के बाद लगभग आपका जुलाई अगस्त सितंबर तक आपका फाइनली भर्ती क्लियरली हो जाएगी। बहुत तेज़ी से भर्ती होगी, तो अपनी तैयारी को बरकरार रखें। एक बार मैं आपको सिलेबस फिर रिपीट दिखा देता हूँ, देखिए। देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा सिलेबस सबसे नीचे मेंशन हुआ है, नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। पार्ट वन में आपको क्या दे रखा है, देखिए पार्ट वन में हिंदी और इंग्लिश में से आपको ओनली वन लैंग्वेज क्या करनी है, चूज करनी है। रुकिए थोड़ा पेज। हाँ, पार्ट वन हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश में से आपको सिर्फ या तो आप इंग्लिश करें या आप क्या करेंगे, हिंदी करेंगे, ठीक, या आप हिंदी करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट जनरल इंटेलिजेंट यानी रीजनिंग, कितने मार्क्स के आएंगे, ये 20 नंबर का ही हिंदी होगा और 20 नंबर का इंग्लिश। दोनों में से आपको, अगर आप इंग्लिश के विद्यार्थी हैं तो इंग्लिश करेंगे और हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हैं तो हिंदी ही चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद जनरल इंटेलिजेंट यानी रीजनिंग होगा, उसके बाद नंबरिकल एप्टीट्यूड यानी आपका मैथ्स हो जाएगा ये, उसके बाद क्लरिकल एप्टीट्यूड हो जाएगा और उसके बाद बेसिक कंप्यूटर नॉलेज, ठीक। ये पांच पार्ट रहते हैं इसमें, प्रीवियस पेपर भी आप देख सकते हैं, पांच पार्ट रहते हैं, 20-20 नंबर के, 100 नंबर का आपका ये क्या है, क्वेश्चन रहेगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए और उनको लगाइए, जहां आपको हिंदी, जनरल इंटेलिजेंट, न्यूमेरिकल और क्रिलिक, ये क्लर्किकल एप्टीट्यूड, इस पर भी आपको फोकस करना है। लेकिन एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर बता दे रहा हूँ कि अभी जो इनका डिपार्टमेंटल, अभी एक रिटर्न एग्जाम हुआ है डिपार्टमेंटल, इसका ही हेड कांस्टेबल और मिनिस्ट्रियल का, हेड कांस्टेबल और एएसआई का जो डिपार्टमेंटल इनका भर्ती हुआ है, उसमें इन्होंने क्या पूछ लिया गया है वहाँ पर, कि जो क्लर्किकल एप्टीट्यूड है उसकी जगह पर इन्होंने जीएस का पोर्शन आपसे पूछा गया है। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्लर्किकल एप्टीट्यूड की जगह पर आपसे जीएस भी पूछ लिया जाए, तो अपनी जीएस को भी आप एक बार रिवीजन कर ले अच्छे से। बाकी क्लर्किकल एप्टीट्यूड की तो आप तैयारी कर ही रहे हैं, तो अच्छे से बेहतरीन से करेंगे, तो अच्छा स्कोर बना के रखें और बेहतरीन से तैयारी करते रहें। एक बार आपको डिटेल सिलेबस में आपको दिखा देता हूँ, जहाँ से आप एक बार, अभी भी देखो ये आपका पार्ट दे रखा है इंग्लिश लैंग्वेज का, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिससे आप तैयारी अपनी सिलेबस के अकॉर्डिंग कर लें। देखो मैं बता रहा हूँ आपको कि दिसंबर में फिजिकल है इसका, पीएसटी है, माप तोल, और उसके बाद इसमें रनिंग नहीं होती है। सबसे बड़ी बच्चों के लिए ये है एक गोल्डन की अपॉर्चुनिटी, इसमें आपकी अच्छी जॉब है सबसे बड़ी, और इसमें रनिंग नहीं होती, ओनली माप तोल होती है। आपका हाइट मेजर होगी, वेट होगा, और बॉयज़ के लिए चेस्ट और गर्ल्स के लिए चेस्ट नहीं होगा, ठीक। तो इसके बाद देखो हिंदी का सिलेबस आपके सामने दिया हुआ है, हिंदी यहाँ से आप ये जो टॉपिक दिए गए हैं सिर्फ इसी टॉपिक से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद देखो जनरल इंटेलिजेंट के चैप्टर दिए हुए हैं, उसके बाद हम जैसे नीचे जाएंगे तो पार्ट थर्ड है आपका न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक, नंबर सिस्टम, फंडामेंटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, ये सब कुछ देखो दिया हुआ है, आप देख सकते हैं, परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, स्क्वायर एंड रूट, ये सब आपको क्या है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छा कीजिए। देखो नेक्स्ट आगे थोड़ा सिलेबस डिटेल्स मैथ्स का,
देखिए मैथ्स का, और इसमें एलजेब्रा का पार्ट रहेगा, ज्योमेट्री का रहेगा, मेंसुरेशन, ट्रिकोमेट्री, स्टैटिक्स, चार्ट और मिसलेनियस। इसके बाद आपका फोर्थ पार्ट जो रहेगा क्लरिकल एप्टीट्यूड का रहेगा, और फिफ्थ पार्ट रहेगा आपका कंप्यूटर, कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज की से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे ही जाएंगे। तो आपसे क्लियरली आप तैयारी को अपनी को बेहतरीन रखिए। देखो जुनून आपके अंदर होना चाहिए, जब तक आप जिद नहीं ठानेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। बचपन में आपको याद होगा जब आप छोटे थे तो जिद करते थे, और जिद करने के बाद वो आपको हर चीज़ वो हासिल कर लेते थे आप। तो जिद को ठानो और हर वो मुकाम, हर वो अपना ड्रीम पाओ, और मेहनत करो इस तैयारी से जिससे कि आपको जुनून है वर्दी आपके लिए मिले। बहुत अच्छी जॉब है हेड कॉन्स्टेबल और ASI, तो उसकी प्रिपरेशन करिए। और आपको ये नोटिस मिल चुका है कि आप क्या सबसे पहले अब क्या होने वाला है, फिजिकल PST आपकी होने वाली है, उसकी तैयारी कीजिए। तैयारी कुछ नहीं है उसमें, तो आपका हाइट होगा और आपका वेट होगा, और आप रिटर्न एग्जाम की तैयारी करते रहिए, और जल्दी से जल्दी आपके लिए बेहतरीन एक जॉब को अपने पाओ और अपने माता पिता का सपना पूरा करो। तो इसी के साथ ये नोटिस जानकारी आपको देनी थी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आई होगी। यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल सक्सेस ज्ञान क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्या नहीं किया है, सब्सक्राइब, तो सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि आपको लेटेस्ट जानकारी और क्लासेज आपको बेहतरीन मिलती रहें। इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है जिससे कि हमें एक मोटिवेशन मिलता है, और आपको लेटेस्ट लेटेस्ट आपकी वीडियो और आपकी स्टडी से मटेरियल नोट्स आपके पास पहुंच पाए। और शेयर ज़रूर कीजिए अपने दोस्तों को जिनके पास इस चीज़ की ज़रूरत है, नीड है, उन्हें नोटिफिकेशन ये पहुंच जाए, उनको भी शेयर कीजिए। इसी के साथ धन्यवाद।